व्लॉग में दोबारा से खुश आमदीद करता हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ। तो आज जी ईद का दिन है, मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। तो अभी बस मैं सुबह जागा हूँ, नहाया हूँ, धोया हूँ, तो अब जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। ईद की नमाज़ पढ़ूँगा, तो ईद की नमाज़ पढ़ने चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चले जी नमाज़ पढ़ने चलते हैं। ये था भाई आ रहे हैं, जा रहे हैं नमाज पढ़ने। ऐसा आए कम आए क्या है, यहाँ भी हमारे दिलों के इम्तिहान ले रहे हैं। कुर्बानी का मकसद इम्तिहान होता है, हर कुर्बानी का मकसद इम्तिहान होता है, और इम्तिहान का जो ताल्लुक है अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो इम्तिहान लेते हैं उसका ताल्लुक दिल के साथ, वो जाहिर का इम्तिहान नहीं लेते। तो जी ईद की नमाज़ हम पढ़ रहे हैं। अब बाज़ाब्ता मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को, तमाम सब्सक्राइबर को, तमाम जो भी मुसलमान दुनिया भर में हैं सबको ईद अल अज़हा मुबारक हो। तो अब चलते हैं जी घर, अंदर मिलते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे क्योंकि मेरे बच्चे नानके गए हुए हैं, उन्हें मिलने जाएंगे, और फिर चलते हैं मोड़ा क्योंकि वहाँ पर ही हमने कुर्बानी करनी है। तो वहाँ पर चलते हैं, साथ बने रहिएगा, मज़ा आएगा। चले जी, घर वालों ने खीर, वाइट चिकन, चने और साथ आलू और पूड़ियाँ बनाई हुई, बस खाते हैं फिर चलते हैं। तो चलें जी, अब हम जा रहे हैं बच्चों को मिलने। क्या हाल है जी, सारे कसाई हजरात आ रहे हैं जी इधर, तो अब बस बच्चों को मिलते हैं और फिर चलते हैं मोड़ा। तो बच्चों के नानके हम लोग पहुंच चुके हैं, तो अब बस बच्चों से ईद मिलते हैं और फिर निकलते हैं मोड़ा की तरफ। घर जाके गाड़ी निकालनी है, गाड़ी पे जाएंगे हम लोग मोड़ा। घर हम पहुंच चुके हैं जी, तो ये पुराने कपड़े पकड़े हैं और साथ जूतियाँ पकड़ी हैं, ताकि वहाँ पर जाके तो बैल के साथ काम करवाना। तो अब गाड़ी का कपड़ा उतारते हैं, गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं मोड़ा। अब निकल आए हैं, अब मोड़ा की तरफ चलते हैं, बस खैर खैरियत से मोड़ा पहुँच जाए, तो मोड़ा पहुँच के आपको फिर मिलते हैं जी। मौसम देखें जी, मौसम कितना प्यारा हो रहा, बस अल्लाह करे ऐसा ही मौसम रहे और कुर्बानी हो जाए। मोड़ा पहुंच गए हैं जी हम लोग, तो ये हमारा मोड़ा राजगान आ चुका है। मामू अला देता के घर हम पहुंच चुके हैं। इधर गाड़ी खड़ी करना भी टेक्निक होगी। चले जी मोड़ा आ चुका हूँ। ये मामू परवेज है मेरे, मामू परवेज उर्फ मामू बिल्लू। बक बक बंद करे मरसाई में क्यों नहीं आया? अबू रिश्तेदार मिल रहे फिर उधर। टाइम कोई नहीं रिश्तेदार? गजब बेइज्जती है। नहीं मैं मिल के फोटो पड़ने से आना रहा। फोन इंतजार करो, कसाई फिर गया। जय जी अपना बैल दे ये बंदा है। तो अब बस कसाई आए इसको जबा करे, अल्लाह खैर करे, फिर घर जाते हैं। है बड़ा तेज, देखते हैं अब क्या करता क्या है जबा करते हुए। ये मेरा कज़न आया जी साकिब,
ये मेरा क्या कहते हैं लंगोटिया यार है, बचपन का यार है, इकट्ठे हम लोगों ने पढ़ा है खजूला में। ये इसका बेटा है वकार भाई, और ये मामू बैठे हैं मेरे। तो बस अब इंतज़ार कर रहे हैं कसाई का, आते हैं तो फिर हम लोग बैल ज़बह करते हैं। नहीं जी, हमारे भाई ये आ गए हैं जिन्होंने बैल को ज़बह करना, तो अब खड़ा बैल। हमने भी कपड़े चेंज कर लिए, मौसम बड़ा बेहतरीन हुआ है, तो अब बस बैल को ज़बह करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, आनंद भैया आ गए, गिरते हैं इसको। खोल के आ गए। किला पटा गया। ओ जी भाग गया। ले जी, तो बैल छलांग मार गया था, छत पे पहले चढ़ा और छत से छलांग मार गया, तो अब कहीं आगे भागा हुआ है। अब अदनान भाई भी गए हुए हैं और साथ वो कसाई भी गए हुए हैं देखने के वो किधर गए, तो अब उसे पकड़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता। मैं भी अब जा रहा हूँ वहाँ पर, देखता हूँ कि किधर गया है बैल। ये घर है जी, यहाँ से ये इस छत से उसने छलांग मारी है नीचे गया, तो अब यहाँ से भाग गए कहीं। अब अनान भी गए हैं उसे पकड़ने, देखते हैं किधर गए। ये भाई तो कह रहे हैं कि इस साइड पे गए आगे, तो अनान भी गए हैं, अब देखो किधर से पकड़ा जाता है। अभी तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो अब देखते हैं बैल आता है, तो अदनान भी गए हुए हैं बैल को लेने के लिए, तो वो आता है तो फिर दिखाते हैं। अनान भाई आ चुके हैं, पसीनो पसीन हुए हुए हैं। अनान भी किधर से पकड़ा उसे जी, तो वो आ गए। अब किधर जाएगा तू, अब तो जाएगा बेटा तो निकल। तो चले जी, रस्सी कच्ची हुई भी थी, तो अब ये रस्सी बांधने लगे हैं उसे कि वो कहीं दोबारा रस्सी ना तोड़ जाए जी। करो करो ना, ना करो ना बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। शेर जे बने हो, शेर बने हो जी। अब नए भाई आए हैं, सब देखते हैं क्या होता है। वो ये नहीं देख रहा है, ये दूर से इधर देख रहा है, ये छुरी यहाँ पर तेज कर रहे हैं ये। चलिए जी, अब कोशिश कर रहे हैं उसे रोटी खिलाने की, ताकि थोड़ा सा इनके साथ घुल मिल जाए और फिर उसके बाद सुनवा करें।
ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿਰ ਹੋ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿਰ ਹੋ ਚਲੇ ਜੀ ਰਸੀਆਂ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੱਜ ਰਿਹਾ ਨਸ ਨਸ ਰੱਜ ਰਿਹਾ शाबाश बेटा तो चले जी फाइनली ज़बा कर दी है तो अल्लाह ताला कबूल करे ये कुर्बानी हमारी तो बस फिर आगे आपको बाद में दिखाते हैं जी सारे भी जिन्ना भागता रहा है ज़बा होते वक्त तो तंग किया कोई नहीं तो बस ज़बा हो चुका है अब इसके तिक्के बनाएंगे अभी मजा आएगा ना भिड़ो जी हिस्से तो हो गए अब काट रहे हैं छोटे बोटियों में काटेंगे टिक्का बोटी बनाएंगे जी खाएंगे टिक्का बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है चलें जी गोश्त अब डिग्गी में रख लिए सारा जो वहाँ पर देना था वो दे लिए रिश्तेदार वगैरह को तो बस अब चलते हैं आगे घर की तरफ और घर जाके जो गरीबों का हिस्सा वो वगैरह सारा करते हैं और जो उधर बांटना है वो करते हैं सही जी तो गोश्त अब हम लोग घर ले आए अब इसके हिस्से करते हैं और फिर उसके बाद तकसीम करते हैं तो ये था जी आज का व्लॉग अब हम लोग तकसीम करने लगे हैं अपना गोश्त वगैरह सारा तो होपफुली आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो काइंडली हमारे चैनल HS व्लॉग को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा और दोबारा से आप सब लोगों को दिल की यथागिराइयों से ईद मुबारक तो HS व्लॉग को सब्सक्राइब करते रहें दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़